मध्य प्रदेश के चुनावी रण में खम ठोकने के लिए सभी दिग्गज तैयार बैठे हैं। एक ओर बीजेपी भगवा लहर पर सवार चौथी बार सरकार बनाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस भी सूबे में सरकार बनाने वाला फॉर्मूला तलाशने में जुटी है। जिताऊ फॉर्मूला तैयार करने की जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो दिग्गजों को सौंपा है और माना जा रहा है कि जिसका फॉर्मूला हिट होगा कांग्रेस उसे ही अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाएगी। इसी कड़ी में राज्य के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने अपने नेतृत्व में चुनाव जिताने का पुख्ता प्लान तैयार कर रिपोर्ट राहुल गांधी को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में चल रही गुटबाजी से निपटने के लिए राहुल ने ही ये योजना बनाई है, ताकि चुनाव के दौरान पार्टी की क्या रणनीति होगी इसको लेकर कार्यकर्ताओं में कोई कंफ्यूजन ना हो। गुजरात विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने से चूकी कांग्रेस, मध्य प्रदेश में आंतरिक गुटबाजी की वजह से कोई नुकसान उठाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के हवाले से आ रही खबरों की माने तो सिंधिया और कमलनाथ ने हाल ही में पार्टी प्रमुख को अलग अलग जीत का फॉर्मूला दिया है। इसमें विभिन्न जाति और सामुदायिक समीकरण है। राज्य में दोनों नेता पार्टी की ताकत और कमजोरियों से बखूबी वाकिफ हैं। पार्टी अध्यक्ष दोनों नेताओं को जिताऊ फॉर्मूले पर चर्चा के लिए भी बुला सकते हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद सिंधिया और कमलनाथ में से किसी एक को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह स्थानीय राजनीति में सक्रिय तो हैं, लेकिन अब उन्हें सीएम पद की दौड़ से बाहर ही माना जा रहा है। वैसे दिग्विजय सिंह ने 6 महीने के लिए नर्मदा परिक्रमा शुरू किया, जिसे आध्यात्मिक यात्रा बताया गया, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि ये दिग्विजय की जनता से जुड़ने की कोशिश है। हालांकि पार्टी नेतृत्व विधानसभा चुनाव के लिए उन पर निर्भर नहीं दिख रहा। ऐसे में दिग्विजय के बजाय ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच सीएम उम्मीदवारी को लेकर कांटे की टक्कर है। अब जिसका फॉर्मूला राहुल गांधी को हिट लगेगा उसे ही पार्टी सीएम उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।